Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Penisilungpa Glacier. So we will know about the Penisilungpa Glacier. The Penisilungpa Glacier is located in Jaskar, Ladakh. तो सबसे पहले तो इसका लोकेशन ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो आपका पेनसिलुंगपा ग्लेशियर है ये कहाँ लोकेटेड है. ये आपका लोकेटेड है जंस्कर लद्दाख में. इट इज रिट्रीटिंग ड्यू टू एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर. ये रिट्रीट हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है और जो प्रेसिपिटेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, इस कारण ये रिट्रीट हो रहा है. जो जस्कर रेंज है वो माउंटेन रेंज है जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख पे पड़ता है, जो कि सेपरेट करता है जस्कर को लद्दाख से. तो ये कहाँ पे है, तो जस्कर रेंज आपका माउंटेन रेंज है जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख पे है, जो कि सेपरेट करता है जस्कर को लद्दाख से. ज्योग्राफिकली दी जस्कर रेंज इज ए पार्ट ऑफ टेथिस हिमालय. और हम जियोलॉजिकली देखें तो जो जस्कर रेंज है वो पार्ट है टेथिस हिमालय का. मार्बल पास एंड मेनी अदर पासेस विद कनेक्ट लद्दाख विद कश्मीर आर इन दिस एरिया. जो मार्बल पास है और इसके साथ साथ बहुत सारे पास है जो कि कनेक्ट करते हैं लद्दाख को कश्मीर से, वो इस एरिया पे पाए जाते हैं. 13,000 फीट हाई चोजिला पास इज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट ऑफ जस्कर पास. और जो 13,000 फीट का चोजिला पास है जो कि इसके एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में है वो जस्कर रेंज में ही है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नासा प्रिजर्वेरेंस रोवर. तो इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, जानेंगे फिर से क्यों आया है न्यूज पे. तो जो नासा का प्रिजर्वेरेंस रोवर है, नासा प्रिजर्वेरेंस रोवर इज एक्सप्लोरिंग दी जेजीरो क्रेटर ऑन मार्स एंड अटेम्पटिंग टू कलेक्ट इट्स फर्स्ट रॉक सैंपल. जो नासा का प्रिजर्वेरेंस रोवर है वो एक्सप्लोर कर रहा है जेजीरो क्रेटर को मार्स पे और कोशिश कर रहा है कि वो कलेक्ट कर सके पहला रॉक के सैंपल को. हाउएवर नो रॉक सैंपल वर कलेक्टिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट. लेकिन कोई भी रॉक सैंपल को नहीं कलेक्ट कर पाए थे पहले अटेम्प्ट के दौरान. प्रिजर्वेरेंस रोवर इट वॉज लॉन्च इन 2020 अबाउट आई यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5. इसको लॉन्च किया गया था 2020 में अबाउट यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 के मदद से. ये जो मिशन है ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, इट कैरीड अ यूनिक इंस्ट्रूमेंट मॉक्सी और मार्स ऑक्सीजन इसरो एक्सपेरिमेंट विच फॉर द फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ऑन मार्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमोस्फेयर. ये जो है कैरी करा है एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट को जो नासा का प्रिजर्वेरेंस रोवर है वो, जिसका नाम है मॉक्सी या हम उसको मार्स ऑक्सीजन ISRU एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जो कि पहली बार मैन्युफैक्चर करेगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को मार्स पे यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमोस्फेयर से. ISRU का मतलब होता है इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो कि यूज करता है लोकल रिसोर्स को ताकि वो पूरा कर सके ह्यूमन के नीड या रिक्वायरमेंट को स्पेसक्राफ्ट पे. इसने कैरी किया है इंजेन्यूटी को भी, जो कि पहला एवर हेलीकॉप्टर होगा जो कि फ्लाई करेगा मार्स पे. इट इज द प्लान्ड फर्स्ट स्टेप टू ब्रिंग बैक रॉक सैंपल फ्रॉम मार्स फॉर एनालिसिस इन सोफेस्टिकेटेड लेबोरेटरीज ऑन अर्थ विद द गोल ऑफ लुकिंग फॉर बायो सिग्नेचर और सिग्नेचर ऑफ प्रेजेंस और पास्ट लाइफ. इसने प्लान किया है पहला स्टेप कि वो वापस लाएंगे रॉक के सैंपल को मार्स से ताकि वो एनालिस कर सके इसका सोफेस्टिकेटेड लेबोरेटरी में अर्थ के. उनका गोल है कि वो खोजे बायो सिग्नेचर व सिग्नेचर को जो कि प्रेजेंट व पास्ट के लाइफ के बारे में बताए. उसका कुछ जो की मिशन का ऑब्जेक्टिव है वो क्या, तो सबसे पहला तो खोजना जो साइन है एंशियंट माइक्रोबियल लाइफ का. दूसरा आपका कलेक्ट करना मार्शियल रॉक को और डस्ट के सैंपल को लेटर रिटर्न के दौरान अर्थ में. डिलीवर करना एक एक्सपेरिमेंटल हेलीकॉप्टर को, स्टडी करना उसके क्लाइमेट और जियोलॉजी को मार्स का, और डिमोन्स्ट्रेट करना जो टेक्नोलॉजी है फ्यूचर के लिए मार्स के मिशन का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल आर्मी गेम. तो हम जानेंगे इंटरनेशनल आर्मी गेम के बारे में. इंडियन आर्मी टू टेक पार्ट इन इंटरनेशनल आर्मी गेम 2021 टू बी हेल्ड इन रशिया. तो जो इंडियन आर्मी है वो भाग लेने वाले हैं इंटरनेशनल आर्मी गेम में 2021 का, जो कि आपका रशिया पे होगा. तो इंटरनेशनल आर्मी गेम किस कंट्री में होगा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. द इंटरनेशनल आर्मी गेम इज एन एनुअल रशियन मिलिट्री स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशिया. तो इंटरनेशनल आर्मी गेम है ये एनुअल रशिया का मिलिट्री स्पोर्ट्स गेम है, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा रशिया के. तो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, कहाँ पे हुआ है, ये है क्या, सब इम्पोर्टेंट है. द इवेंट विच वॉज फर्स्ट स्टेज इन अगस्त 2015 इन्वॉल्व क्लोज टू 30 कंट्रीज टेकिंग पार्ट इन डजन ऑफ कंपटीशन ओवर 2 वीक्स टू प्रूव विच इज द मोस्ट स्किल. ये जो इवेंट है ये पहला स्टेज था अगस्त 2015 का, जिसमें इन्वॉल्व किया गया था क्लोज टू 30 कंट्रीज को, जिन्होंने भाग लिया था डजन ऑफ कंपटीशन पे 2 वीक के लिए, ताकि वो प्रूव कर सके कि वो मोस्ट स्किल है. ये जो गेम है उसको रिफर किया गया है वॉर ओलंपिक के तौर पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक. तो जो सर्कुलर इकोनॉमी है प्लास्टिक के लिए, हम इसके बारे में समझेंगे.
The India Plastic Pact, the first in India, will be launched in September at the CII Annual Sustainability Summit. जो इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है, जो कि पहला होगा इस टाइप का पैक्ट एशिया के लिए, इसको लॉन्च किया जाएगा सितंबर में सीआईआई के द्वारा एनुअल सस्टेनेबिलिटी समिट के दौरान. इश्यू ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, क्या इश्यू ऑफ प्लास्टिक वेस्ट का? 2019 रिपोर्ट बाई सेंटर फॉर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ सजेस्ट दैट बाई 2015 ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम प्लास्टिक कुछ रीच ओवर 56 गीगा टन, 10-13% ऑफ द रिमेनिंग कार्बन बजट. 2019 का जो रिपोर्ट है सेंटर फॉर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ के द्वारा, इसमें सजेस्ट किया गया है कि 2050 आने तक जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है प्लास्टिक के कारण, वो ओवर 56 गीगा टन हो जाएगा, जो कि 10-13% है रिमेनिंग कार्बन बजट का. कनेक्शन विथ लाइवलीहुड, व्यूड फ्रॉम द एंगल ऑफ लाइवलीहुड, पोस्ट कंज्यूमर सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक मेकअप अबाउट हाफ ऑफ द इनकम ऑफ 1.5-4 मिलियन वेस्ट पेकर इन इंडिया. जो अगर हम इसको लाइवलीहुड के एंगल से देखें तो जो पोस्ट कंज्यूमर सेग्रीगेशन होता है, जिसमें कलेक्शन और डिस्पोजल होता है प्लास्टिक का, ये मेकअप करता है हाफ इनकम का, 1.5 से 4 मिलियन वेस्ट पिकर का इंडिया का, यानी उसका इनकम के लिए ये है रिस्पॉन्सिबल कि वो क्या करता है, सेग्रीगेट करता है, इस कारण वो उनको एक लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहा है. फॉर इंडिया दिस सॉल्यूशन मस्ट बी मल्टी प्रोलॉन्ग सिस्टेमिक एंड लार्ज स्केल टू क्रिएट अ विजिबल इम्पैक्ट. द प्लास्टिक पैक मॉडल ऑफर सच ए सॉल्यूशन. इंडिया के लिए जो सॉल्यूशन है वो एक मल्टी प्रोलॉन्ग सिस्टेमिक और लार्ज स्केल होना चाहिए, ताकि वो एक विजिबल इम्पैक्ट छोड़ सके. और जो प्लास्टिक पैक मॉडल है वो ऑफर करेगा इसी टाइप के एक सॉल्यूशन को. हम जानेंगे प्लास्टिक पैक मॉडल है क्या. बिजनेस लेड इनिशिएटिव, द प्लास्टिक पैक आर बिजनेस लेड इनिशिएटिव एंड ट्रांसफॉर्म द प्लास्टिक पैकेजिंग वैल्यू चेन फॉर ऑल फॉर्मेट एंड प्रोडक्ट. जो प्लास्टिक पैक्ट है ये एक बिजनेस लेड इनिशिएटिव है, ये ट्रांसफॉर्म करेगा प्लास्टिक पैकेजिंग वैल्यू चेन को सारे फॉर्मेट और प्रोडक्ट के लिए. द पैक्ट ब्रिंग टुगेदर एवरीवन फ्रॉम अक्रॉस द प्लास्टिक वैल्यू चेन टू इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. ये जो पैक्ट है वो एक साथ लाएगा सबको अक्रॉस प्लास्टिक वैल्यू चेन में, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को. इंटीग्रल टू द पैक्ट फ्रेमवर्क इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर क्रूशियल टू पोस्ट कंज्यूमर सेग्रीगेशन कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट. और जो इंटीग्रल है इस पैक्ट के फ्रेमवर्क का, कि इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर का, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोस्ट कंज्यूमर सेग्रीगेशन के लिए, कलेक्शन के लिए और प्रोसेसिंग के लिए प्लास्टिक वेस्ट का. ऑल पैक्ट यूनाइट बिहाइंड 4 टारगेट. ये सारा जो पैक्ट है वो 4 टारगेट के ऊपर बेस्ड है. वो 4 टारगेट क्या क्या है? सबसे पहला तो टू एलिमिनेट अननेसेसरी एंड प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक पैकेजिंग थ्रू आउट रीडिजाइन एंड इनोवेशन. तो सबसे पहले हमें एलिमिनेट करना होगा जो अननेसेसरी और प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक पैकेजिंग है, उसको रीडिजाइन करके और इनोवेशन के माध्यम से. टू इंश्योर ऑल प्लास्टिक पैकेजिंग इज रीयूजेबल और रिसाइकलेबल. हमें यह इंश्योर करना होगा कि जो सारा प्लास्टिक पैकेजिंग जिसका उपयोग किया जाएगा वो रीयूजेबल हो और रिसाइकलेबल हो. To increase the reuse, collection and recycling of plastic packaging. हमें increase करना होगा reuse, collection और recycling plastic packaging का. To increase recycled content in plastic packaging, it is the active in a number of countries including UK, South Africa and Australia. हमें increase करना होगा जो recycle content है plastic packaging में उसको, और ये active है बहुत सारे countries में, अभी use भी किया जा रहा है, जैसे कि UK हो गया, South Africa हो गया, Australia हो गया. The first plastic pact was launched in UK in 2018 by WRAP, a global NGO based in the UK. जो पहला प्लास्टिक पैक्ट था उसको लॉन्च किया गया था यूनाइटेड किंगडम में 2018 में WRAP के द्वारा, जो कि एक ग्लोबल एनजीओ बेस्ड है यूके में. इट इज नाउ बीइंग ब्रॉट टू इंडिया बाय CII एंड WWF इंडिया. इसको अब इंडिया पे लाया जा रहा है CII और WWF इंडिया के द्वारा. इसका क्या एडवांटेज मिलेगा हमें? तो इकोनॉमिक एडवांटेज को हम सबसे पहले कंसिडर कर रहे हैं. इट कैन बी एक्सपेक्टेड टू बूस्ट डिमांड फॉर रिसाइकल कॉन्टेंट, इन्वेस्टमेंट इन रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब इन दी वेस्ट सेक्टर एंड बियॉन्ड. ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यह बूस्ट करेगा डिमांड को रिसाइकल कॉन्टेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट होगा रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जॉब क्रिएट होगा वेस्ट सेक्टर के लिए और उसके बियॉन्ड. ये सपोर्ट करेगा EPR फ्रेमवर्क को. तो जो पैक्ट है वो सपोर्ट करेगा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क को गवर्नमेंट का, और इम्प्रूव करेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, जैसा कि बताया गया है स्वच्छ भारत अभियान में. द इंडिया प्लास्टिक पैक्ट फोकसेज ऑन सॉल्यूशन एंड इनोवेशन. जो इंडिया का प्लास्टिक पैक्ट है वो फोकस कर रहा है सॉल्यूशन और इनोवेशन के ऊपर. प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट. द पैक्ट विल इंकरेज द डेवलपमेंट एंड मैच्योरिंग ऑफ द इंटायर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इकोसिस्टम. ये जो पैक्ट है ये इंकरेज करेगा डेवलपमेंट को और मैच्योरिंग को इंटायर प्लास्टिक प्रोडक्शन का और मैनेजमेंट इकोसिस्टम का. ड्राइव सर्कुलेटरी ऑफ प्लास्टिक.
Apart from benefit to society and economy, delivering the target will drive the circularity of plastic and help tackle population pollution. ये जो है सिर्फ बेनिफिट सोसाइटी और इकोनॉमी को ही नहीं देगा, ये टारगेट करेगा, ड्राइव करेगा सर्कुलरिटी को प्लास्टिक का, जिससे क्या होगा टैकल करने में पॉल्यूशन को काफी मदद मिलेगा। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो इंडिया का प्लास्टिक पैक्ट है वो बेनिफिट करेगा सोसाइटी को भी, इकोनॉमी को भी और इन्वायरमेंट को भी, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट में जो हमारा टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में उसमें हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिल टू रिस्टोर स्टेट राइट टू स्पेसिफाई ओबीसी ग्रुप। बिल लाया गया है ताकि रिस्टोर किया जा सके जो स्टेट का राइट है स्पेसिफाई करने का ओबीसी ग्रुप को। हम जानेंगे इसके बारे में क्या इसमें कहा गया, जरूरत क्यों पड़ा, सब कुछ। एक कॉन्स्टिट्यूशन 127 अमेंडमेंट बिल 2021 वाज पास विद अनैनिमस सपोर्ट इन लोकसभा रिसेंटली। जो कॉन्स्टिट्यूशन का 127 अमेंडमेंट बिल है 2021 का, इसको पास कर दिया गया है अनैनिमस सपोर्ट के साथ लोकसभा में अभी हाल ही में। द बिल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू अलो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू प्रिपेयर देयर ओन लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। ये जो बिल है ये अमेंड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को ताकि वो अलो करे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि वो प्रिपेयर कर सकते हैं खुद के लिस्ट को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का। जरूरत क्यों पड़ा, तो मई 5 में जब स्क्रैप किया गया था एक सेपरेट कोटा को मराठा कम्युनिटी के लिए महाराष्ट्र में, तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया था कि 2018 का जो अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नोटिफाई कर सकते हैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, न कि स्टेट। द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसल्टेड आर्टिकल 338B एंड 342A आफ्टर आर्टिकल 342 वॉज रिलेटेड टू गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इफेक्टिवली स्ट्रक अ ब्लो टू द अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लासेस एंड प्रोवाइड देम विद रिजर्वेशन बेनिफिट। जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसको कि इंसल्ट जिसके द्वारा इंसल्ट किया गया था आर्टिकल 338B और 342A को आर्टिकल 342 के बाद, वो रिलेटेड था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को लेकर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का, और जो इंटरप्रिटेशन था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वो इफेक्टिवली स्ट्रक कर रहा था अथॉरिटी को स्टेट गवर्नमेंट का आइडेंटिफाई करने में बैकवर्ड क्लासेस को और प्रोवाइड करने में उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट को, वो उसको स्ट्रक कर दिया गया था। हाईलाइट ऑफ द 127 अमेंडमेंट बिल, क्या हाईलाइट है 127 अमेंडमेंट बिल का। द बिल सीक टू रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई अदर बैकवर्ड क्लास दैट आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ये जो बिल है ये रिस्टोर करेगा जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट का उसको, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके ओबीसी को सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, इम्पावर किया था कि ये पावर जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ऐसा आइडेंटिफिकेशन का, लेकिन अभी क्या हुआ लोकसभा में जो बिल था वो अनिमिसली पास हो चुका है 127 अमेंडमेंट बिल, जिसमें क्या स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देने की बात कही गई है रिस्टोर करने की, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके अदर बैकवर्ड क्लास को जो कि सोशली व इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। ये जो बिल है ये अमेंड कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो नोटिफाई कर सकते हैं कि क्या लिस्ट है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का सिर्फ पर्पज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल लिस्ट है उसको प्रिपेयर किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो बिल है वो इनेबल करेगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि वो प्रिपेयर करे खुद का लिस्ट को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का। ये जो लिस्ट है वो लॉ के द्वारा तैयार किया जाएगा, वो डिफर करेगा सेंट्रल लिस्ट से। लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो लिस्ट है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का हम इसको समझेंगे। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी वाज एस्टैब्लिश अंडर द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का उसको एस्टैब्लिश किया गया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 के माध्यम से। द कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द एनसीबीसी एंड एम्पावर द प्रेसिडेंट टू नोटिफाई द लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर ऑल पर्पज। जो कॉन्स्टिट्यूशन का 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रहा था एनसीबीसी को और एम्पावर कर रहा था प्रेसिडेंट को कि वो नोटिफाई कर सकते हैं जो लिस्ट है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए सारे पर्पज के लिए। कंसल्टेशन विद दी एनसीबीसी, जो कंसल्टेशन की बात कही गई है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से, तो आर्टिकल 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू कंसल्ट विद एनसीबीसी ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। जो आर्टिकल 338B है कॉन्स्टिट्यूशन का, यह मैंडेट करता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही कि वो कंसल्ट करें एनसीबीसी को सारे मेजर पॉलिसी को लेकर जो कि अगर अफेक्ट करता हो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को। तो इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा इस न्यू बिल का,
After passing the 127th Constitutional Amendment Bill, 621 caste in the country would benefit from it and restore the state's right to have their own list of OBC. जो पास हुआ है 127th Constitutional Amendment Bill, 621 caste जो है कंट्री में उसको इसका लाभ मिलेगा, ये रिस्टोर करेगा स्टेट का जो राइट है खुद के लिस्ट को तैयार करने को ओबीसी का, उनको ये पावर देगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सिस्टम। तो हम जानेंगे जेम सिस्टम के बारे में। द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सिस्टम हैज रिजल्टेड इन अ 10% सेविंग इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इन 5 ईयर। जो गवर्नमेंट ई मार्केट सिस्टम है उसने 10% सेविंग किया है पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर 5 ईयर्स पे। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस गेम इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन इंडिया बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पीएसयू। जो जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए भारत में वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पीएसयू के माध्यम से। द इनिशिएटिव वाज लॉन्च ऑन अगस्त 9, 2016 बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विद द ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट बायर। ये इनिशिएटिव जो था इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 9, 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव था कि क्रिएट किया जाए एक ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट बायर्स के लिए। तो कब लॉन्च किया गया था, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, क्या ऑब्जेक्टिव था, सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। इट इज ऑन बाय जेम एसपीवी विच इज 100% गवर्नमेंट ऑन नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको ऑन किया गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज व्हीकल के द्वारा, जो कि 100% गवर्नमेंट ऑन नॉन प्रॉफिट कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। जेम एम्स टू इन्हेंस ट्रांसपेरेंसी एफिशियंसी एंड स्पीड इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। इसका मकसद है कि यह इन्हेंस करे ट्रांसपेरेंसी को, एफिशियंसी को और स्पीड करे पब्लिक प्रोक्योरमेंट को। इट प्रोवाइड द टूल ऑफ ई बिडिंग रिवर्स ई ऑक्शन एंड डिमांड एग्रीगेशन टू फैसिलिटेट द गवर्नमेंट यूजर अचीव द बेस्ट वैल्यू फॉर देयर मनी। ये प्रोवाइड करता है टूल्स को ई बिडिंग के लिए, रिवर्स ई ऑक्शन के लिए, और डिमांड करता है एग्रीगेशन ताकि फैसिलिटेट किया जा सके गवर्नमेंट यूजर को अचीव करने के लिए बेस्ट वैल्यू का उनके मनी के लिए। द परचेस टू जेम बाय गवर्नमेंट यूजर हैव बीन ऑथराइज एंड मेड मैंडेटरी बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जो परचेस है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा गवर्नमेंट यूजर्स के द्वारा, उसको ऑथराइज किया गया और उसको मैंडेटरी कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। क्या एडवांसेज ये प्रोवाइड करता है बायर्स को? टू ऑफर रिच लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट फॉर इनिशियल कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये ऑफर लिस्टिंग प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट का इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए। ये अवेलेबल कराता है सर्च कंपेयर सिलेक्ट एंड बाय फैसिलिटी को। इनेबल करता है बाइंग गुड्स और सर्विसेज को ऑनलाइन, साथ साथ जब जरूरत हो उस समय। ये सारे एडवांटेज है बायर्स के लिए। ये ट्रांसपेरेंसी लाता है ईज ऑफ बाइंग में। इंश्योर करता है कि कंटिन्यूअस वेंडर रेटिंग सिस्टम हो, अप टू डेट यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड होता है बाय करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए सप्लाई को और पेमेंट के लिए। इसमें प्रोविजन है इजी रिटर्न पॉलिसी का भी। तो ये सारे एडवांटेज बायर को प्रोवाइड किया गया है। तब कुछ एडवांटेज ऐसा होगा जो सेलर के लिए भी होगा। तो जो एडवांटेज सेलर को प्रोवाइड किया गया अब हम उसको जानेंगे। तो डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। एक वन स्टॉप शॉप होगा मार्केटिंग के लिए, जहां पर मिनिमम एफर्ट होगा। एक वन स्टॉप शॉप होगा बिडिंग के लिए, रिवर्स ऑक्शन के लिए, प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए। न्यू प्रोडक्ट सजेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगा सेलर के पास। डायनेमिक प्राइसेस जो है, तो प्राइस को चेंज किया जा सकता है जो कि मार्केट के कंडीशन के अनुसार होगा। सेलर फ्रेंडली डैशबोर्ड भी होगा ताकि वो सेल कर सके, मॉनिटर कर सके सप्लायर और पेमेंट को। कंसिस्टेंट एंड एक यूनिफॉर्म परचेज प्रोसीड्यूर को फॉलो किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तुम जानेंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में। इट वॉज सेटअप बाय द संगीत नाटक एकेडमी एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट इन 1959। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, इसको सेटअप किया गया था संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा इसके कंस्टिट्यूएंट के रूप में 1959 में। तो किसके द्वारा सेटअप किया गया था, कब सेटअप किया गया था, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा सेटअप किया गया था इसके कंस्टिट्यूएंट यूनिट के तौर पर 1959 पे। In 1975, it became an independent entity and was registered as an autonomous organization under Society Registration Act 21 of 1860, fully financed by Ministry of Culture. लेकिन 1975 में ये एक इंडिपेंडेंट entity बन गया जो कि रजिस्टर था एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860 के माध्यम से, जिसको पूरी तरीके से फाइनेंस किया जा रहा था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। भारत रंग महोत्सव और द नेशनल थिएटर फेस्टिवल इस्टेब्लिश इन 1999 इट द एनुअल थिएटर फेस्टिवल ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हेल्ड इन न्यू दिल्ली। टुडे इट इज एक्नॉलेज एट द लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल ऑफ एशिया डेडिकेटेड सोलली टू द थिएटर। जो भारत रंग महोत्सव है वह, जिसको हम नेशनल थिएटर फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया था 1999 पे, ये एनुअल थिएटर फेस्टिवल है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, जो कि आपका न्यू दिल्ली पे होता है। आज इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है कि ये लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल है एशिया का, जो कि डेडिकेटेड है पूरी तरीके से थिएटर के लिए।
इट इज ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।